अक्षरा वाइस के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रजनीश स्वागत करता हूं आपके हमारे शो प्रकृति के रहस्य में। आज हम बात करेंगे प्रकृति क्या है। प्रकृति, ये सवाल बहुत गहरा और गूढ़ है। मैं थोड़ा वैज्ञानिक रूप से लेकर चलूँगा और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी बात करता हूँ 100% साइंटिफिक वे में जा कर के कोई रूढ़िवादिता की बात नहीं करता। प्रकृति क्या है, ये सवाल सभी के मन में आता है और सब ने उसकी अलग अलग व्याख्याएं दे रखी हैं। कोई उसको बोलता है नेचर, कि ये पेड़ पौधे प्रकृति हैं, हवा प्रकृति है। कोई बोलता है कि जो मदर है वो प्रकृति का एक रूप है। लेकिन मैं इन टोटेलिटी अगर बात करूं, तो हर एक चीज़ आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु और मृत्यु के बाद भी जो भी आपके साथ घटित होता है वो प्रकृति है। आपका जन्म होता है, आपने शरीर धारण किया, उसके बाद आपका पालन पोषण हुआ, आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, खाने के रूप में हो, हवा के रूप में हो, किसी भी रूप में। आपको जीवन में सक्सेस को पहुंचने के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, टीचर्स का हो, पेरेंट्स का हो, समाज का हो। हर एक चीज़ जो आपको जीवन में चाहिए वो सब एक प्रकृति का हिस्सा है। आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु और अगले जन्म तक के बीच की प्रक्रिया, ये प्रकृति है। अब मैं साइंटिफिक वे में अगर बोलूं तो प्रकृति न्यूट्रल है, यानी एक सिस्टम है इस ब्रह्मांड का। जैसे सारे प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो कोई फिजिकल फोर्स उसको पकड़ के नहीं घुमाती, वो एक एनर्जी फॉर्म में एक सिस्टम बनाया, उन सिग्नल्स के माध्यम से वो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे। ठीक वैसे ही ये जो प्रकृति है, इसने ये एक सिस्टम है। आप समझ लो एक प्रोडक्शन हाउस होता है ना, हर एक चीज़ एक के बाद एक प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं और आखिरी में वो जो प्रोडक्ट है वो बाहर आता है सब तैयार होकर, फुल एंड फाइनल। वैसे ही ये प्रकृति है। और माँ के गर्भ, क्योंकि माँ को भी प्रकृति का स्वरूप किया जाता है क्योंकि वो जन्म देती है, तो बच्चा माँ के पेट में आया वो एक नए जीव को अपने जैसा, जो पूर्ण एक ब्रह्म स्वरूप है, अपने आप में कंप्लीट है, उसको जन्म देती है, उसका निर्माण होता है। उसके बाद वो बच्चा आता है तो जैसे हवा बाहर पोषण देती है, मतलब आपको जीवित रखने के लिए, आपके शरीर में ब्लड का संचार करने के लिए, उस ऊर्जा का पूरा फ्लो हो उसके लिए, ऑक्सीजन जो आप ग्रहण करते हो तो उससे आपका पोषण करती है प्रकृति। आपकी भूख शांत करने के लिए अलग अलग, आप लोग चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, सोर्स तो वेज ही है हर एक चीज़ का, तो उसके लिए आपका पोषण करती है। तो प्रकृति एक न्यूट्रल है। अब आप कहोगे मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि पोषण करती है, आपका मार्गदर्शन करती है, और एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकृति न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब तो ये हुआ कि उसमें ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ये सच है। तो जो भी आपका विचार है, जैसा भी आपका थॉट पावर है, उसी के अनुसार प्रकृति का आपके प्रति रिएक्शन चेंज होता है। रिएक्शन तो आप भी जानते हो, इतना तो साइंस की, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाने पर एक रिएक्शन होता है। आप सिर्फ केमिस्ट्री में ही ना चले जाओ, आप जीवन में ले लो। आप किसी से बात करते हो, उसने कुछ और कहा, आपने अगर कुछ और करा तो वो रिएक्शन झगड़े में बदलेगा, और अगर उसने वही चीज़ कही, आपने भी वही चीज़ कही, तो वो रिएक्शन प्रेम में बदलेगा, दोस्ती में बदलेगी। तो रिएक्शन तो हर एक चीज़ का होता है, और प्रकृति भी जो न्यूट्रल है, वो जो आपको दे रही है, जो एक सिस्टम है, तो एक रिएक्शन, इसको आप ऐसे समझो कि जो प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, अगर हम उसको फोर्सफुली रोक दें तो रिएक्शन में क्या आएगा? एक तो पहली बात तो वो रुक नहीं सकता, और अगर हमने ज़्यादा फोर्स के साथ रोक दिया तो बाकी के प्लैनेट्स सारे आपस में लड़के सब खत्म हो जाएगा, संहार हो जाएगा। तो वैसे ही जो प्रकृति है वो न्यूट्रल है, लेकिन आप जो सोचते हो, आप जो काम करते हो, वो उसके साथ मर्ज होके एक रिएक्शन को पैदा करता है, और वही रिएक्शन आपके जीवन में आपकी सफलताओं के लिए, आपकी बीमारियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, या कह सकते हैं पूर्णतः जिम्मेदार होता है। इन सारे रिएक्शंस को मैं अलग अलग टॉपिक्स में कवर करूंगा ताकि आपको ज्ञान हो सके कि वास्तव में ये क्या है। किसी ने बोला प्रकृति देती है,
मैंने बोला, नहीं, प्रकृति देती नहीं है, जो आप देते हो प्रकृति उसको कई गुना करके लौटाती है। प्रकृति हमें फ्री में हवा देती है? मैं कहता हूँ नहीं, फ्री में नहीं देती, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हवा अपने आप तुम्हारे अंदर नहीं भर जाती, उसको खींचने की तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और वो जब खींचते हो तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड देते हो प्रकृति को। प्रकृति जानती है कि तुम्हें पोषण, वो एक माँ की तरह है, लेकिन तुम दे रहे हो तो वो उसको लौटा रही है कई गुना करके। वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। वो उसके पास रिसोर्सेज हैं, मशीनें हैं, मशीनें उसके पास पेड़ पौधे और बहुत सारी चीज़ें, जिसके माध्यम से उस हवा को शुद्ध करती है और वापस आपको लौटाती है। जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये आपके अंदर है। अगर आप मेटाफिजिकल वे में देखेंगे, क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये आपके अंदर ही समाया हुआ है। तो जो प्रकृति है उसमें जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सभी के सभी आपके अंदर भी हो रही है। और मेटाफिजिकली अगर हम बात करें तो आपके सेलुलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे वो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं। हर एक सेल एक कुछ समय तक जीवित रहता है, अपनी प्रक्रियाएं करता है, अपने आप को सर्वाइव करता है, अच्छे से आपके लिए काम करता है, और फिर एक निश्चित टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो सेल बॉडी से अपने आप बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। तो वहाँ पे भी सृजन हो रहा है, वहाँ पे भी पालन हो रहा है, वहाँ पे भी संहार हो रहा है, और वहाँ पे भी आपका हर एक सेल, जो आप प्राणवायु लेते हो, एक एक सेल को उस प्राणवायु की आवश्यकता है, और हर एक सेल उस ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, उस प्राणवायु को रिसीव कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और वो जो उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस की बात मैंने करी, वो जो रिएक्शंस हो रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल पे, जीन्स लेवल पे, डीएनए लेवल पे, वो सारी की सारी जैसा बाहर प्रकृति में आप देख रहे हो सेम वैसे ही अंदर हो रहा है। अब बहुत मज़े की बात ऐसा देखने में आया जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि इस पूरी पृथ्वी पे कहीं भी अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आई है, अगर कहीं बहुत ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो व्यक्ति विशेष है, हर एक के अंदर मेटाफिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ वैसा उथल पुथल हुई है और उसके लाइफ में अलग अलग कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं। तो जो भी प्रकृति में हो रहा है वो आपके अंदर भी चलता रहता है। हो सकता है ये विषय आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन मैं सच बताऊं, ये जो विषय है इसको शब्दों से समझा भी नहीं जा सकता। ये अनुभव का विषय है। अनुभव मैं इस रूप में बोलना चाहूँगा कि आप बुक्स पढ़ करके नॉलेज तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन विजडम नहीं आएगा। अनुभव अगर आप उस चीज़ को कर लो, इसको ऐसे समझो कि सपोज़ करो मैं बात करता हूँ कि आपने कभी आइसक्रीम ना खाया हो, मैं कहता हूँ कि 100,000 डेफिनेशंस मैंने आइसक्रीम की लिख दी, आइसक्रीम ऐसी होती है, ऐसा स्वाद होता है, इतना ठंडा होता है और इस तरह के फ्लेवर्स होते हैं, आपको क्या समझ में आएगा अगर आपने ज़िंदगी भर ना खाया हो उसको कभी? और मैं उसको समझाने की जगह आपको आइसक्रीम खिला दूं तो कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रकृति है इसको शब्दों से समझा भी नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है, और वो मैं आपको करा सकता हूँ। आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा आपको उन चीज़ों का और नॉलेज और अनुभव कराने के लिए आप कैसे रास्ते आप पहुँच सकते हो। तो अभी आप ये समझो कि जो भी प्रकृति में घटित हो रहा है वो आपके अंदर भी घटित हो रहा है, और अगर आप अपने अंदर बदलाव ले आओ तो बाहर भी वो चीज़ चेंज की जा सकती है, बड़े से बड़ी आपदाएँ रोकी जा सकती हैं। और यही कारण है जो आप हमारा सनातन धर्म देखो, जहाँ से ओरिजिन हुआ मानवता का, जहाँ से ओरिजिन हुआ, ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया, वहाँ पे अगर आप देखो तो उनके अंदर इतनी पावर्स थी कि वो बड़े से बड़ी कोई भी चीज़ें, आपदाओं को रोक देते थे या कुछ भी क्रिएट कर देते थे और लोग उसको चमत्कार का नाम देते थे। तो ये सारी पावर्स आपके अंदर ही हैं। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति आप बोलते हो माँ भगवती, तो वो भी आपके अंदर ही है। और अब साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि जो हर एक व्यक्ति के अंदर मेल और फीमेल एनर्जी है, तो जो क्यों स्त्रियों को शक्ति का रूप बोला जाता, क्योंकि वो जो फीमेल एनर्जी है, जो हमारे अंदर फीमेल पार्ट है, जो अलग अलग रूप्स में जो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर के संचालन के लिए
उस ऊर्जा के लिए उनका एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो आप अपना एक हाथ भी नहीं उठा सकते, आप अपनी पलकें भी नहीं झुका सकते। तो साइंस भी ये मानने लगा है कि हाँ, इसीलिए शायद स्त्रियों को शक्ति का रूप बोला जाता है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, मैं बहुत जल्द आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगा अक्षरा वॉइस के इस प्रकृति के रहस्य में, और आपको उन बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में बताऊँगा जो ये प्रकृति हमें देती है और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।